हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज प्रकाश विजय, माय चैनल नेम प्रकाश स्टोर 2। मैं आप लोगों के लिए न्यू प्रोडक्ट से संबंधित प्रोडक्ट लाती रहती हूँ। न्यू से संबंधित हर तरह के प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए ले लाती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए टेम्पल ज्वेलरी, जो साउथ इंडियन ज्वेलरी है, दक्षिण भारत की ज्वेलरी है। ये बहुत पवित्र मानी जाती है। इस ज्वेलरी में ब्राइडल ज्वेलरी भी ब्राइडल ज्वेलरी है और ये कुसारू ज्वेलरी के नाम से जानी जाती है। नाम लेने में कोई गड़बड़ हो गई हो तो माफ़ करना। और ये बहुत अच्छी ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी, इसमें देवी देवताओं की वो चित्र ही होती है पूरा। देखिए कितनी प्यारी ज्वेलरी है। और मैं एक से एक ज्वेलरी लेके आई हूँ, जो मेरे चैनल को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिए कि कितनी प्यारी ज्वेलरी है। और ये टेम्पल ज्वेलरी कितना सुंदर लुक देते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को भी दिखाते हैं। कितनी प्यारा प्यारा लुक है इसमें, हर तरह के देवी देवताओं को सबको दिखाया जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर तरह की ज्वेलरी आती है। इसमें बाजू में बाजू बंद, कमर बंद, चोटी के लिए, चोटी पे लगाने के लिए, और आपको गले का पूरा सेट मिल जाएगा। उस सब पे मतलब भगवान की मूर्ति देखिए कितना प्यारी इसी है। देखिए चोटी का भी है इसमें, इसमें सबका है। तो इतनी प्यारी, क्योंकि ये ज्वेलरी को बहुत मान्यता दी जाती है। ये मैं तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये समझ लीजिए ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही भी 8 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार में मिलती है। हाँ, और मतलब दक्षिण भारत में ज्वेलरी को बहुत पवित्र माना जाता है। वहाँ ज्वेलरी का सोने चांदी का बहुत ज़्यादा है और वहाँ इतना ज़्यादा होता है कि आप है ना इन ज्वेलरीज को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। उन ज्वेलरी को यूँ ज्वेलरी जिसके पूरा वो होते हैं उसे बहुत धनवान और मान्य सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। ये ज्वेलरी इतनी सुंदर होती है। और इसकी तरह ये देखिए पत्ती, इसमें पत्ती वर्क हो रहा है वहाँ की। और इसमें देखिए वहाँ के चिन्ह, पवित्र चिन्हों को यूँ माना जाता है। शादियों में पवित्र चिन्ह दिए हुए होते हैं, पहनी हुई होती है, तो वो अपने घर की लक्ष्मी और समृद्धि बढ़ाती है। तो इन ज्वेलरी को पवित्र माना जाता है, इसीलिए इन ज्वेलरीज में देवी देवताओं को अर्पित करते हुए उनको पधारा जाता है, उनको बनाई जाती है, उनको देख के बनाई जाती है। इसमें देखिए कितना प्यारी भगवान की मूर्ति बनाई गई है, उस पर कितना प्यारा वो कि भगवान इनको इसको टेंपल ज्वेलरी कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवानों भगवान की मूर्तियां बनाई जाती। हर तरह के भगवान इनमें मिल जाएंगे, उनके चिन्ह मिल जाएंगे, उनके चिन्ह मतलब किसी न तरह नीम की पत्तियों और या आम की पत्तियों को इनको पवित्र माना जाता है उस हिसाब से। और ये ज्वेलरी इतनी सुंदर लगती है, इतनी हैवी लगती है, हैवी लुक देती है, एक सुंदर लुक। ये दुल्हन के लिए बहुत खास मानी जाती है, इसके बिना दुल्हन की शादी नहीं होती। इन ज्वेलरी इसको पहनना बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ पर, और बहुत अच्छी सी है। और इनकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मतलब प्राइस तो है सही, आप ये मान लीजिए। और इसमें डिजाइनिंग ज्वेलरी कितनी प्यारी प्यारी डिजाइनिंग्स हैं इनमें, देखिए आपको देख के बहुत मज़ा आ जाएगा। इस पर अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई गई है, इनको कितनी अच्छी तरह से कारीगरी की गई है। और अपनी जो हम भगवान के प्रति कितनी अपनी श्रद्धा दिखाई जाती है। इन ज्वेलरी की अपनी एक खासियत होती है, इतनी कारीगरी इसमें, कारीगरी डिजाइनिंग ज्वेलरी होती है, इतनी अच्छी तरह से इसको तैयार किया जाता है। और ये एक हैवी लुक, और अपन पहनते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है, ये पहनने में भी कितना हैवी लुक देती है। और देखिए कितनी मतलब सब जगह पे बना दी गई है हैवी, एक एक गले का और एक हैवी और छोटी की कमर बंद सभी है। देखिए इसमें भी मूर्ति है, ये वहाँ सबसे ज़्यादा फेमस होती है। और ये पहनना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए तो कहते हैं कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो उस हिसाब से ही ये ज्वेलरी बनाई जाती है। लक्ष्मी घर में आए उस हिसाब से दुल्हन के साथ, तो ये ऐसी अच्छी लगती है। और ये आपका लुक अलग बढ़ाएगी, एक अलग और ज्वेलरी से ये एक अलग लुक देगी, ये पहनने पर बहुत अच्छी लगेगी। आप साड़ी को एक हैवी लुक देती है ये, और हैवी आप लगेंगे, हाँ वाकई में हैवी है, बहुत है, अच्छी लगी मेरी ज्वेलरी की डिजाइन है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं नई नई नोटिफिकेशन आपको देती हूँ, इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे।
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take